वेलकम टू पुलिस पंचायत न्यूज। आप देख रहे हैं पुलिस पंचायत न्यूज। पीएसआई स्कैम, कैंपस फ्रंट ने हुकूमत से अदालती जांच पड़ताल और निष्कासित की मांग की। पीएसआई के 545 पड़वी पर भारती में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें दिव्या हगरगी इस घोटाले की अहम सरगन है। बीजेपी के रहनुमा और एबीवीपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चंद पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। सीआईडी पहले ही इस घोटाले की जांच पड़ताल कर रही है। कैंपस फ्रंट कर्नाटका जांच पड़ताल में स्वच्छता के लिए हुकूमत को जल्द ही निष्कासित करने की मांग कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे सियासती ताकत हाकिम है। जैसा कि हम एक बड़े पैमाने पर प्लॉट के साथ आधुनिक औजार का इस्तेमाल करते हुए अनुभव करते हैं, सुपरवाइजर से लेकर दीगर तमाम दर्जे के ऑफिसर्स तक इस घोटाले में शामिल हैं। इस घोटाले में गृह मंत्री के साथ साथ आला पुलिस ऑफिसर्स के किरदार की स्वच्छता की जांच पड़ताल की जरूरत है और इसीलिए कैंपस फ्रंट इस घोटाले की अदालती जांच पड़ताल पर जोर देता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका रियासती सदर अथाउल्ला पंजलकट्टी ने इस घोटाले के छुपे हाथों को सरेआम लाने और भ्रष्ट हुकूमत को निष्कासित करने के लिए अदालती जांच पड़ताल की मांग की है। यहाँ पर आई है, हम देखते हैं कि हुकूमत लाने का जो तरीका था वो भी पूरी तरीके से स्कैम था। 17 एमएलए को दूसरी पार्टी से खरीद कर एक गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बनाने के बाद इनकी कोई औकात नहीं थी गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन फिर भी ये लोग क्या किए, कर्नाटक की आवाम को धोखा देकर एक गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, उसके बाद से हम देख रहे हैं जितने स्कैम्स हो रहे कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। एक यहाँ की कर्नाटका की जनता को, यहाँ की आवाम को ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आखिर हमारा टैक्स लेकर का टोटल अमाउंट था 2,60 पर 5,720 करोड़। इतना बजट का एक टोटल अमाउंट था 2,60 पर 5,720 करोड़, लेकिन 4 साल में जो खर्च की है बीजेपी, वो खर्च का अमाउंट आप जानेंगे तो ताज्जुब होगी, 2,60 पर 6,000 करोड़ खर्च किया है। एक सिंपल बात आप समझिए, 2,60 पर 6,000 पिछले 4 साल में खर्च की है, एक साल का बजट बनाती है 2,60 पर 5,720 करोड़। तो आपको इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना स्कैम ये गवर्नमेंट कर रही है। मिनिस्टर्स देखिए दुबई को जाते हैं, अलग अलग तरह फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में मुब्तला कर दिए हैं, ये मिनिस्टर्स की है। और नीचे एमएलओं की जब हम हालत देखेंगे तो उड़पी में कल एक हमें मसला देखने को मिला, वहाँ की बीच जो बनाया है, एक नई बीच बनाया गया, बीच के ऊपर एक पानी के अंदर एक ब्रिज को बनाया गया, एक नई कर्नाटक के अंदर पहली ब्रिज थी वो, उसके लिए बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपीज़ को खर्च किया गया। 3 दिन में वो ब्रिज टूट जाती है, 80 लाख रुपीज़ कहाँ गए, हमारे ना 80 लाख रुपीज़ हम सब के, हमारे जेब के पैसा है। तो हमारे जेब के पैसे के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे तो ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारे ऊपर केस डालती है, हमारे ऊपर जुल्म करती है, यहाँ के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को सामने बताकर डराती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट करप्टेड है। आप जितना भी इंसाफ के साथ, ये क्या बोलते, पूरी तरीके से प्रमाणिक तरीके से आप जितना भी काम करेंगे तो आपको बीजेपी सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट रहेगा, जो करप्टेड ऑफिसर रहेगा, उसको ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर लाएगी। जैसा कि पीएसआई स्कैम में आप देखिए, 2 DYSP को अरेस्ट किया गया, 2 DYSP को और CPI को अरेस्ट किया गया और कॉन्स्टेबल्स को अरेस्ट किया गया, करीब 47 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये 47 लोगों से ही ये मसला उन्होंने क्या किया, 17 दिन के बाद, 18 दिन के बाद, 20 दिन करके दिव्या हगरगी को अरेस्ट कर ये बताते हैं कि वही किंग पिन है, वही इसका पूरा भी एक प्लान कर चुकी है। दिव्या हगरगी कौन होती है कर्नाटका की इतने DYSP को कांटेक्ट करने वाली? अगर इतने पुलिस डिपार्टमेंट को किसी को कांटेक्ट होगा तो वो होम मिनिस्टर से कांटेक्ट होगा, अगर किसी को इतने पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट होगा तो वो पूरा कांटेक्ट यहाँ के मिनिस्टर से, यहाँ की गवर्नमेंट से होगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है गवर्नमेंट पूरा भी इन्वॉल्व है PSC स्कैम में। मेडिकल माफिया में 402 करोड़ रुपये IT इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 402 करोड़ रुपये IT इन्वेस्टिगेशन में IT ने वश किया है। कहाँ से? यही जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटका में, 8 मेडिकल इंस्टीट्यूशन से 402 करोड़ रुपये जो इल्लीगल फीस लिए थे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, नीट के जरिए जो बच्चे जाते हैं, गरीब बच्चे जो नीट के जरिए पास होते हैं, उनको उनको क्या कर दिया गया, नहीं दिया गया, बल्कि जो मैनेजमेंट सीट ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट की तरीके से पैसे लेकर सीट ले रहे हैं उनको लिया गया। तो ये स्कैम के अंदर 402 करोड़ रुपये
किसका पैसा है वो? हम गरीबों का पैसा है। अगर आप बीबीएमपी में देखेंगे पिछले 10-15 दिन के अंदर, केपीआरडीएल बोलकर एक स्कीम है जो ग्रामीण अभिवृद्धि इलाके के अंदर आता है, वो इलाके के अंदर से फेक बिल्स बनाकर 118 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। 118 करोड़, 402 करोड़, करोड़ों करोड़ों का। इससे पहले हम देखेंगे तो एग स्कैम, जो आंगनवाड़ी को अंडे देने का जो ये है, वो स्कीम के अंदर भी ये गवर्नमेंट स्कैम करती है, तो वो छोटे बच्चों की बदवा भी होने लगेगी। देखिए इसके अंदर वो गंगावती का एमएलए परन्ना मनोहर और शशिकला जोल्ले, जो पिछली समाज कल्याण इलाके की एक जो मिनिस्टर थी, दो लोगों का एक बातचीत होता है, वो बातचीत एक न्यूज़ फर्स्ट वालों ने क्या किया, उसको बाहर लाया। उसमें वो एमएलए साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे 50 लाख मिलेंगे एक महीने में, तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिलेंगे अगर हम टेंडर इनको देंगे। तो इतना ओपन करप्टेड गवर्नमेंट को आखिर चलाने में शर्म क्यों नहीं आ रही बीजेपी को? एक तरफ ये जो चीज़ स्कैम है करती है, स्कैम को छुपाने के लिए, आवाम को इस मामले से हटाने के लिए, ध्यान को भड़काने के लिए क्या करती है, प्रमोद मुतालिक, ये आंदोला का जो बड़ो जो स्वामी है, वैसे लोगों को सामने लाकर, वैसे गुंडों को सामने लाकर, वैसे रौडियों को सामने लाकर, वैसे देश के गद्दारों को सामने लाकर क्या करती है, ये इश्यूज़ को डाइवर्ट कर सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों को, कर्नाटका की जो मीडिया है उसके अंदर भी आप कभी भी देखिए यही कम्युनल इश्यूज़ चलते रहते हैं। कभी भी आप लोगों को ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा कि कितना स्कैम हुआ है, कितना करप्शन हुआ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ देखने को मिलेगा। आवाम का ध्यान पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में भटकाएगी, हिंदू मुसलमान में ध्यान भटकाओ, अपनी जेब को भरो, यही है इनकी साजिश। और सुधाकर जो 2019 के बाद जो कोविड आया, कोविड के अंदर वेंटिलेटर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम होकर है, वेंटिलेटर्स को खरीदने का जो स्कैम है, वो स्कैम को क्यों बाहर नहीं लाया जा रहा है? ईश्वरप्पा 40% कमीशन मांगा, वो हिंदू युवा वाहिनी का स्टेट सेक्रेटरी क्या किया, फांसी डालने का, ये इसके अंदर उड़पी के एक होटल के अंदर खुदकुशी किया। तो ये भक्तों को भी समझना चाहिए, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं, आप लोगों को भी श्रीलंका का जो माहौल है वो आप लोगों के ऊपर भी बीतने वाला है। आप लोग आराम, अभी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी साहब है, हम हिंदू राष्ट्र बना दिए, ऐसे खुश रहने से कुछ दिन आप ऐसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाले, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम में आने वाले हैं तो ये अंधभक्त लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा ये बना देगा, जैसा कि चक्रवर्ती सुनील पहले बोला था कि सोने का रोड बना देंगे और ऐसी बुलेट ट्रेन ला देंगे, पूरी तरीके से इंडिया को ऐसा बना देंगे। और जैसा कि नरेंद्र कुमार कटिल का बयान था, नरेंद्र कुमार कटिल क्या बोला था, $1 कितना होगा, $15, $1 करेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन आज डॉलर का रेट क्या है, 70/7 रुपये को $1। नलिन कुमार कटिल क्या बोला था, $1 को $15 करेंगे। तो ये बेवकूफ़ी के बयान, ये जो लोगों को भड़काने के बयान, ये बीजेपी की आदत है। अब बजट को ही सामने रखकर देखिए, बजट के अंदर भी जितना पैसा दिया गया, एजुकेशन को सिर्फ 12% पैसा दिया गया, हेल्थ को सिर्फ 5% पैसा दिया गया। तो ये गवर्नमेंट की अगर ऐसी योजनाएं रहेंगी, अगर गवर्नमेंट की ये तरीके का रवैया रहेगा लोगों को, आवाम को, क्या किस तरीके से हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ये हमारी हित के लिए या फिर हमारी अच्छाई के लिए काम करेंगे? तो एक साफ नज़रिया हमें इनका दिख रहा है, स्कैम्स करेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारेंगे, ये बीजेपी के MLA और मिनिस्टर ये काम करेंगे, और प्रमोद मुतालिक के जैसे गुंडों को भेजकर ये राज्य का माहौल ख़राब करेंगे। एक ही बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ये प्रमोद मुतालिक और ये आंदोला स्वामी जो ऐसे जो लोग आकर इधर दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनको लोग जूते से मारेंगे आने वाले दिनों में, जूते से रोड में ऐसा मारेंगे। इनकी वजह से आज लोगों का ध्यान भटक रहा है, लोगों का टैक्स का पैसा चले जा रहा है, ऐसे लोगों को आवाम मारेगी, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ जो ये लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग नहीं, पूरी देश की आवाम इनको मारेगी, क्योंकि ये लोग इश्यूज़ को भड़काते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम में फसाद करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम में फसाद होगा, किसी की जान जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदारी लेगी? क्या गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेगी? कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्या वो दंगा के अंदर मरने वाले हैं, जो बाप उसकी बेटी रहती है उसका दर्द कौन सहेगा? उस जो बच्चे रहते हैं उनका दर्द कौन सहेगा? जिसकी माँ का बेटा मरा हुआ रहता है उसका दर्द कौन सहेगा? क्या प्रमोद मुतालिक उसे दर्द को सहने के लिए उसको जाकर कंपेंसेशन देगा? अभी ये बजरंग दल का जो गुंडा था शिवमोगा के अंदर, वो मरने के बाद ये लोग क्या किए, बहुत सारा पत्थरबाजी किए,
और ऐसा किए कि पूरा शिवमोगा को जला दिए। शिवमोगा को जलाने के बाद एक भी केस उनके ऊपर नहीं होता है, यूएपीए का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जैसा ही सेम तरीके का रवैया जब हुबली में चंद सर पर जो मुसलमान लोग थे, चंद जो उसके अंदर ऐसी एक मतलब देश में आकर जो पत्थर मारे, उनके ऊपर बड़े बड़े केस लगाने की बात करते हैं, एनएससी के जैसा एक कानून लगाने की बात करते हैं, यूएपीए के जैसा कानून लगाने की बात करते हैं। लेकिन ये गुंडों के पीछे जो आरएसएस के जो बजरंग दल के गुंडे हैं, अगर ये कुछ भी करते हैं तो इनके केसों को वापस लिया जाता है। पिछले महीने दो महीने के पीछे हम लोग देखें 2000 केसों को वापस लिया गया। क्या ये सरकार रहने के लायक है? मैं सवाल करना चाहता हूँ कर्नाटका की आवाम से, आप जागिए, आप जागरूक हुए। ये यूपी नहीं है, यूपी पूरा गुजरी मॉडल है, यूपी में कोई पूछने वाला नहीं। उधर दंगा फसाद ये आम है, यूपी बिहार आप उधर देखे हैं तो, ये यूपी नहीं है, ये बसवन्ना की सरजमीन है। ये यहाँ पर सभी लोग मिलकर जाने वाले हैं। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था, हमारे जो हमारे पूर्वज थे या फिर हमारे बाप दादा उन्होंने थे, सब मिलकर थे। लेकिन आज का माहौल क्यों बिगड़ रहा है, ये आवाम को भी सोचना चाहिए। ये भ्रष्ट बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से यहाँ पर वजह करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति का जो रूल है वो कायम करना चाहिए। हम लोग, हमारा डिमांड है, लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ का राष्ट्रपति हो, यहाँ का राज्यपाल हो, या फिर जो भी ये पावर में बैठे हैं, सभी रबर स्टैम्प है। जो गवर्नमेंट बोलती है वो रबर स्टैम्प के जैसा काम करते हैं। वो लोग कुछ करने वाले नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, हम लोग आज कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में कुछ ही महीने लम्हे, कुछ ही महीने बचे हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के अंदर बीजेपी का पूरी तरीके से लोग आवाम के ऊपर से बीजेपी के ऊपर का भरोसा उड़ चुका है। बीजेपी को दोबारा आवाम चुनकर नहीं लाने वाली है। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल कैंपस फ्रंट का रहेगा। हम लोगों तक पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ हम बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के करप्शन के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। बीजेपी का एक एक भी जो भी वो लोगों को तकलीफ दे चुके हैं, हर एक चीज़ को लोगों तक हम समझाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कांटा बनेगी बीजेपी को कैंपस में। अभी हिजाब के मसले में बीजेपी को समझ में आ चुका है कैंपस में क्या है, और आने वाले जो भी एनईपी के अंदर भी बीजेपी समझ चुकी है कि कैंपस फ्रंट क्या है। लेकिन आने वाले दिन में उनकी जो गवर्नमेंट गिरेगी, उनकी जो गवर्नमेंट अस्तित्व में नहीं आएगी, उसका रीज़न भी कैंपस फ्रंट बनने वाली है। ये बात भी मैं अभी इस वक्त पर मैं कहना चाहता हूँ। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है कि ये जुडिशियल प्रोब होना है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी नहीं चलेगा। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। स्कैम में कौन इन्वॉल्व है? बीजेपी है। तो बीजेपी खुद अपने ऊपर कैसा इन्वेस्टिगेशन करा सकती है? वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट पॉलिटिशियंस के ऊपर, दो लोगों का भी सेटिंग है इसके अंदर चल रहा है। अभी ये रुकना है, सही तरीके से इसकी जुडिशियल प्रोब होना है। कर्नाटका के सिटिंग जज जो है, सिटिंग जज के अंडर ये इंक्वायरी होना है। सभी चीज़ बाहर आएगी। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से, बीजेपी का जो भी ये मतलब करप्शन है पूरी तरीके से बाहर आएगा। लोग भी नकारेंगे इनको आने वाले दिनों में। ये हमारा डिमांड है। और एक डिमांड हमारा ये है कि जो एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखकर जो जिन्यून कैंडिडेट्स हैं, जो 540 पर 5 में कुछ लोग करप्शन किए हुए हैं, पूरे लोगों, अगर छोटी मोटी गलती पूरे लोगों से नहीं हुई है, चंद लोगों से हुई, तो पूरे लोगों को इसकी सज़ा क्यों दिया जा रहा है? छोटे मोटे जो एक 540 पर 5 में 50 या 100 लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो जुडिशियल इंक्वायरी में वो बाहर आ जाएगा, अगर सही तरीके से इंक्वायरी होगी। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पोस्ट देना है। हमारा ये डिमांड है, री एग्ज़ाम नहीं कराना है। री एग्ज़ाम जो कराने की स्टेटमेंट जो अरगद ज्ञानेन्द्रा दिया है, सिर्फ वो अपने आप को बचाना चाहता है इस इंक्वायरी से, उसी लिए वो स्टेटमेंट दिया है। तो कर्नाटका की आवाम को रोड के ऊपर आना है, बीजेपी के खिलाफ बात करना है। कर्नाटका की आवाम को बीजेपी को इधर से निकाल कर यूपी को फेंकना है। वो वहीं पर सेट है। यहाँ पर ऐसी कम्युनल, ऐसी करप्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ये सही स्कैम चल रहा है, वो आज हमने प्रोटेस्ट किया है। हम देखेंगे जब से ये बीजेपी सरकार कर्नाटका में आई है, पहले तो कर्नाटका की आवाम ने ये बीजेपी सरकार को नकारा था और बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था। उसके बाद बीजेपी ने MLAs को, JDS के, कांग्रेस के MLAs को खरीद कर यहाँ पे सरकार बनाई है, तो एक टोटली करप्ट सरकार बनाई है। उसके बाद हम देखेंगे कई करप्शन में इनका हाथ है, कई हमें करप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। देखेंगे तो ये एक PSI स्कैम बाहर आने में हमें मालूम पड़ा है कि ये करप्शन हुआ है बोल के, कई करप्शनों में इनका हाथ है। हम देखेंगे ये जो PSI का जो एग्ज़ाम होता है, ये PSI का एग्ज़ाम होने के बाद एक सर्विस के लिए, एक पुलिस सर्विस के लिए, एक देश की सर्विस के लिए ये आते हैं।
और कई स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार करके एक डिग्री होने के बाद 2-3 अटेम्प्ट करके पास होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये स्कैम करे हैं। हम देखेंगे ये जो स्कैम हुआ है इसमें भी CID इंक्वायरी कर रहे हैं। ये CID इंक्वायरी एक स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है, अभी तक 46 जने अरेस्ट हो गए हैं। इसमें कई DYSP है, पुलिस कॉन्स्टेबल्स है और कई BJP पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। मगर ये यहाँ तक ही नहीं है, जो अरेस्ट हुआ है यहाँ तक ही नहीं है। इसमें जो स्कैम होते हैं PSI एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड में एक एहतजाज रखे, तो हमें देखेंगे बोले तो BJP गवर्नमेंट जब से कर्नाटक में हुकूमत में आई है, जब भी से हुकूमत में कर्नाटक में आई है तभी से है ना स्कैम के अंदर है ना इनका इन्वॉल्व बहुत सारा है। बहुत सारे स्कैम है BJP गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ना कर चुके हैं। एक अंडे के ऊपर एक स्कैम करके है, फिर बाद में से 40% एक टेंडर के बेस पे स्कैम करके है ईश्वरप्पा, ऐसे